पता है आपको, आज जो आप लोग वर्तमान में तिरंगा देखते हैं ना, अपना झंडा देखते हैं ना, अपना ध्वज देखते हैं ना, ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। समय समय पर इसमें परिवर्तन भी होता रहा है। इन सभी परिवर्तनों के बारे में भी हम देखेंगे कि किस समय किस तरह का तिरंगा रहा है। और आपको एक बात और बता देता हूँ कि इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तब भी मैं कहता हूं कि कम से कम हमें अपने देश के इस तरह के राष्ट्रीय ध्वज हो गया, या राष्ट्रगीत हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इसके बारे में मालूम तो होना चाहिए। आप देखिए कि आप जिन नेताओं को चुनते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि किस तरह तिरंगा का ऐसे फहराया जाता है, क्या किया जाता है। कई नेताओं को आप देख लीजिए, उन्हें राष्ट्रगीत भी नहीं आता है, राष्ट्रगान भी नहीं आता है, बीच में भूल जाते हैं। तो कम से कम अगर भारतीय नागरिक हो और हमारा देश आप देखते हैं कि स्वतंत्र है, तो कम से कम आपके पास इतना तो मालूम होना चाहिए इस तरह की जानकारी। आपको बता दूं कि 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है। किन से? अंग्रेजों से। और इससे पहले आप देखेंगे कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता, यानी कि भारत की आज़ादी से 23 दिन पहले भारतीय संविधान, जो संविधान सभा थी, कि एक बैठक में भारत की राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप क्षैतिज आयताकार तिरंगा को अपनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को यह भारतीय स्वतंत्र उपनिवेश का आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज बन गया। और आप देखेंगे तब से अभी तक आप लोग उसी को देखते हैं। एक बार इसके दर्शन भी कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए ये आप देखते हैं 1947 के बाद का, यानी कि आज भी तो आप देखते हैं यही है हमारा तिरंगा। इससे पहले अगर आप देखें तो 1906 में आप देखेंगे इस तरह का हमारा तिरंगा हुआ करता था। 1907 में आप देखेंगे इस तरह का हुआ, पर 1917 तक आप देखेंगे ये चला, 1917 में इस तरह का आया। फिर आप देखेंगे 1921 में, क्योंकि आप देखेंगे कि 1921 के आसपास गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी देश में और काफी आंदोलनों में वो भाग ले रहे थे, और आप सभी जानते हैं कि उनका चरखा एक तरह से हथियार ही था। तो आप देखेंगे कि इसे चरखा को आपका स्थान मिलता है तिरंगे में। फिर आप देखते हैं 1931 में आपका इस तरह का रहता है तिरंगा, और 1947 में आपका इस तरह का आ जाता है। इसमें आप देखेंगे तीन रंग हो गए, बीच में एक चक हो गया जिसे आप लोग धर्म चक्र भी कहते हैं। आप देखिए एक बार SSC में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कई परीक्षाओं में कि बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो इस बड़े सरल क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। तो आपको बता दूं, अगर हम लोग वर्तमान तिरंगे की डिजाइन की बात करें, तो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पेंगली वेंकैया द्वारा अधिकल्पित, यानी कि डिजाइन किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है। ध्वज में कई बार परिवर्तन किए जाने के बाद आप देखेंगे 1931 के कराची में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था इसे, लेकिन 1947 में आपका इस तरह हो जाता है। इस नाम को भी याद रखिए, ये भी कई बार पूछ लेता है। इसके डिजाइनर कौन है? पेंगली वेंकैया। अगर हम लोग संविधान पर ऐसे बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य, मैं आपने देखा होगा एक हमारा कर्तव्य भी है संविधान के भाग 4 का में, आपका अनुच्छेद 51 A है। इसमें क्या कहता है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है, भारतीय, हर भारतीय का कर्तव्य है कि जो हमारा संविधान है इसका पालन करें, हमारे जो आदर्श हैं जैसे संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र गान है, सम्मान है, इन सब के बारे में एक तरह से हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए इनका। आगे इसमें कहा गया है कि राष्ट्र ध्वज का उपयोग करने के संदर्भ में कुछ कानून भी हैं आपके, संपेटिक और नाम अनुसूचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये आपके ध्वज के उपयोग करने में संदर्भ में कुछ कानून बनाए गए थे। तिरंगे की प्रदर्शन संबंधी कुछ नियम भी हैं। ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें एक तो आप देखेंगे कि
तिरंगे का एक सामान्य विवरण सरकारों और सरकारी निकायों द्वारा ध्वज प्रदर्शन हेतु नियम बनाए गए हैं कि किस तरह से फहराना चाहिए, इसका अपमान ना हो, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसकी बात की गई है। सार्वजनिक एवं निजी निकायों तथा तो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ध्वज के प्रदर्शन हेतु नियम बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? नियम बनाए गए हैं। कुछ आपने सुना भी होगा, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विद्यालय, महाविद्यालयों, खेल परिषद, स्काउट स्पेक शिविरों में भी आपका ध्वज सम्मान किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि एक तरह से यहाँ कुछ प्रेरणा दी जा सके। तो ठीक है, और भी कुछ तथ्य हैं, इन्हें भी आप लोग देखिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काती गए या हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशम, खादी की पट्टियों से निर्मित होगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हाथ से काते गए, हाथ से बुने गए ऊन, कपास, रेशमी खादी की पट्टियों से बनाया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि जब गांधी जी ने, आप देखो, एक स्वदेशी आंदोलन चला हुआ था, चरखा भी आपने देखा है, काफी आजादी में इसका इसकी चर्चा रही है कि मतलब गांधी जी का ये स्वदेशी की बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर की, तो एक तरह से आप उस समय का आत्मनिर्भर यही प्रतीक लगा सकते हैं कि आप देखिए चरखा से अपने लिए ऊन कातिए या कुछ भी करिए, अपना काम चलाइए। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, प्रधानमंत्री साहब भी चरखा चला रहे थे। एक बार राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा और झंडे की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:3:2 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, 2:3:2। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक भवनों पर झंडे को आधा झुकाए जाने के अवसरों को छोड़कर आधा झुका हुआ झंडा नहीं फहराया जाएगा। राज्यों द्वारा दिए किए जाने वाले अंतिम संस्कार या सशस्त्र बलों और अन्य अर्धसैनिक बलों के अंतिम संस्कार को छोड़कर निजी अंतिम संस्कार सहित किसी भी रूप में ध्वज का उपयोग किसी भी रूप में शव आरोहण के रूप में नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई इस तरह का कोई व्यक्ति मरता है तो आप देखते हैं कि उसके शरीर पर ध्वज आपको दिखाई नहीं देगा। हमारे सैनिक आप देखते हैं शहीद होते हैं तो आप देखते हैं उनका जो शव होता है वो तिरंगा से लिपटा हुआ आता है। उसी की बात हो रही है। ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी किसी तकिया, रूमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस सामग्री पर छपाई या कसीदाकारी की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि फिर भी हमारे देश में कई इस तरह के लोग इस तरह के मिल जाएंगे जो आप देखते हैं कि कपड़ों पर तिरंगा बनवा लेते हैं, समझ रहे हैं? लेकिन मनाही की गई है इसकी, क्या करें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का महत्व निम्नलिखित तरीके से बताया गया है, इसे भी देख लीजिए। अशोक चक्र धर्म के विधान का पहिया पहिया और चक्र यह प्रदर्शित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। चलते रहना यही है जीवन है और ठहर जाना यानी कि डेथ वारंट यानी कि मौत है। भगवा रंग आप देखेंगे अनासक्ति के परित्याग को दर्शाता है और इसमें आप देखेंगे ध्वज के केंद्र में सफेद रंग है जो आप प्रकाश और हमारी आचरण का मार्गदर्शन करने के लिए सत्य के मार्ग को दर्शाता है और हरा रंग यहाँ आप देखेंगे मिट्टी और वनस्पति से हमारे संबंध को दर्शाता है जिस पर अन्य सभी जीवन का निर्भर आपको देखने को मिलेगा। एक आप बीच में वो भी देखते हैं धर्मचक, एक बार देख भी लीजिए, यहाँ देखिए इसे। तो इसमें आप देखेंगे, इसे आप लोग धर्मचक्र भी कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। सारनाथ मंदिर के बारे में सुना है, उसी से लिया गया था। इस चक को प्रदर्शित करने का आशय है कि जीवन गतिशील है और रुकने का मतलब डेथ यानी कि मौत है। ऊपरी पट्टी में आप देख रहे हैं केसरिया रंग है, जो आप सभी को मालूम है कि एक तरह से देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में आप देख रहे हैं एक सफेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये आप देखेंगे शांति और सत्य को का प्रतीक है। और निचली आप देख रहे हैं पट्टी एक है,
जो हरी पट्टी है ये उर्वरता मिट्टी और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है कि केसरिया रंग किससे प्रतीक है, किसका प्रतीक है हमारे हमारे तिरंगे में, झंडे में। तो इस तरह की सामान्य जानकारी होती है और इसे आप लोग गूगल पर सर्च करके भी पढ़ लिया करिएगा। समझ रहे हैं, संविधान के बारे में मालूम होना चाहिए आपको, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान या आपका ध्वज हो गया, और भी आप देखिए हमारे यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं। समझ रहे हैं, तो आपके पास आजकल मुझे लगता है कि गूगल भगवान एक तरह से आपके सामने बैठे हुए हैं। उनसे आप लोग कुछ भी कहिए, आपके सामने उपलब्ध करवा देते हैं, वहां से आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। चलिए तो देख लीजिए, इसे भी देख लीजिए।